हेलो एवरीवन, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिनांस एक्ट 2020 से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एक अमेंडमेंट किया गया जो एप्लीकेबल हो रहा है 2021 से, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिल रहा है कि जिसमें जो टाइम लिमिट है जीएसटी की आईटीसी लेने की, उसको एक्सटेंड किया गया है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में। तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसका डिस्कशन करने से पहले ये हमको समझना जरूरी है कि जो डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स होती है जीएसटी में, उसको हम लोग कैसे इश्यू करते हैं और क्या डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स होती है, उसके रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मैंने कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए और बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसकी प्राइस मुझे रिवाइज करनी है, उसकी प्राइस इंक्रीज की किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो उसमें मैं अपने कस्टमर को एक डेबिट नोट इशू करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि भाई पहले जो वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, अब उसको गिना जाएगा लाइक से 1,20,000 रुपीज। इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट। क्रेडिट नोट इससे बिल्कुल उल्टी सिचुएशन होती है कि गुड्स अगर रिटर्न हुए हैं या तो फिर उसकी प्राइस को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 की टाइम लिमिट है क्रेडिट नोट में जीएसटी लायबिलिटी को रिड्यूस करने की, जो हमको बोल रहे हैं कि भाई क्रेडिट नोट के थ्रू आप जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस सिर्फ और सिर्फ जिस फिनेंशियल ईयर का इनवॉइस है उसके बाद के सितंबर महीने तक ही आपको लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं, वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नोट को। इसका मतलब यह है कि डेबिट नोट जो मैं इश्यू करूंगा उसको सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 की जो टाइम लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नोट को एप्लीकेबल होती है, डेबिट नोट को ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। सबसे पहली चीज है। अब ऐसा क्या अमेंडमेंट कर दिया गया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जिसकी वजह से क्रेडिट लेने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है जो टाइम लिमिट बताती है कि इतने टाइम तक ही आप जीएसटी की आईटीसी ले सकते हैं, उसके बाद ये टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है, इसको चैलेंज किया गया है भारतीय टेलीमीडिया वाले केस में। दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस पेंडिंग है अभी तक, पर हालांकि हमारा आज का ये डिस्कशन है नहीं, आज का डिस्कशन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो 2021 का अमेंडमेंट है जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को थोड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो अमेंडमेंट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द डेबिट नोट्स, जब हम लोग डेबिट नोट्स इश्यू करते हैं उसमें जो बेनिफिट है उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो जब ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आई उस टाइम पे एग्जैक्टली ये सेक्शन क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। इस सेक्शन को इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ After the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September, following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier. इसका मतलब ये है कि जिस साल में invoice issue हुआ है या तो फिर जो debit note issue हुई है उसका original invoice issue हुआ है, उसके बाद के सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो, या तो फिर उस साल का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो डेट है, जो एक्चुअल आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है वो, दोनों में से जो अर्लियर होता है तब तक ही आप इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब इस सेक्शन की वजह से जेन्युइन केसेस में कैसी दिक्कत आ सकती है, मान लीजिए कि फॉर द ईयर 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई इनवॉइस इश्यू किया गया है फरवरी 2022 में, अब उसके बाद में प्राइस का रिवीजन हुआ या कुछ भी हुआ और डेबिट नोट जो है वो डेबिट नोट इश्यू कर रहे हैं हम लोग अक्टूबर 2022 में, मतलब आफ्टर 7-10 मंथ्स इसके बाद में डेबिट नोट इश्यू हो रही है। तो ये डेबिट नोट के बेस पे अगर हम लोग ये ओरिजिनल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 देखे तो इसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी ही नहीं, बिकॉज सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब सेप्टेम्बर 2022 हैज ऑलरेडी गॉन, सेप्टेम्बर 2022 चला गया है, क्योंकि ये जो सेक्शन है आपको बोल रही है कि डेबिट नोट जब आपने इश्यू किया वो डेट नहीं देखनी है आपको, जो डेबिट नोट है उसका रिलेटेड ओरिजिनल इनवॉइस जो था उसकी डेट हमको देखनी है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइम पीरियड ऑफ टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये तो बिल्कुल ही अनफेयर किस्म की चीज हो जाती है काफी टैक्स पेयर्स के लिए,
कि हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकते हैं बिकॉज द टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड और ये जो डेबिट नोट है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाले पर्सन को नहीं मिलती थी। अब इस जेन्यून केस को कंसिडर करके फिनेंस एक्ट 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि लेटेस्ट गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का एक रूलिंग आया है जिसमें इन लोगों ने बोला है कि ये अमेंडमेंट आने के बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, टाइम लिमिट तो वैसे की वैसे ही रहेगी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ये रूलिंग का जो लॉजिक है वो क्यों गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो अमेंडेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है जो 2021 से एप्लीकेबल हुई है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है यहां पर। अब ये जो सेक्शन है वो आपको ऐसा बोल रही है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स और फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इसमें कौन से वर्ड्स निकाल दिए गए हैं तो Invoices relating to such debit note निकाल दिया गया है, सिर्फ debit note word है यहां पर। इसका मतलब यह है कि आपको टाइम लिमिट जो देखनी है वो डेबिट नोट कौन सी तारीख को इश्यू हुई है उस बेस पे आपको देखना है, ना कि उसका ओरिजिनल इनवॉइस। तो हमारे एग्जाम्पल में जब फेब्रुआरी 2022 में इनवॉइस इश्यू किया गया और उसकी डेबिट नोट हम लोगों ने इश्यू की है 2022-2023 में, तो इस डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट लेने का जो पीरियड है वो सितंबर 2023 तक मिल जाएगा, जबकि प्री अमेंडेड सेक्शन में आपको मिलता था सिर्फ सितंबर 2022 तक। एक साल के लिए ये जो टाइम लिमिट है डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट लेने की, दैट पीरियड विल बी एक्सटेंडेड, ये पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा इस अमेंडमेंट की वजह से। हालांकि गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने बोला, ये जो केस है वो है आईटेक प्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस, गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का 2021 का ही केस है, कि भाई अमेंडमेंट की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसकी डेट ही हमको लेनी है। ये जो रूलिंग है उसका लॉजिक एकदम मेरे ओपिनियन में गलत है। इसका रीजन है कि अगर आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स पढ़ो फिनेंस बिल 2020 की, तो एक्सप्लेनेटरी नोट में लिखा है यहां पर क्लॉज 118 ऑफ द बिल सिक्स टू अमेंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सो एज टू डीलिंग द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस द अंडरलाइंग इनवॉइस फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पर इस अमेंडमेंट का पर्पस बहुत ही क्लियर लिखा है कि भाई अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ही इस अमेंडमेंट को किया गया है, और बिल्कुल इसकी वजह से डेबिट नोट के बेस पे हम लोग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसका पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल अमेंडमेंट है विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2021। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।